with the next part of air, oxygen and water. Air, oxygen and water. So I'm going to repeat little bit for you. लास्ट टाइम मेरे बच्चों हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ी थी, ठीक है. नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन 20-21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नोबल गैसेस 1% एंड वाटर वेपर्स वेरिएबल थे. एंड देन वी हैड डन विद द मोर रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन दैट हाउ वी कुड कम टू नो दैट It is 20-21% in the air. उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी, ठीक है, एयर की. और फिर उसके बाद हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस और फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और कंबस्टन सभी पढ़ी थी, ठीक है. एंड देन वी हैव डन विद द टेस्ट फॉर वाटर एंड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. ये लास्ट टाइम चीजें जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. आपकी ये वाली चीजें मिस हो चुकी है बेटे, ये वाली एयर ऑक्सीजन में से आप इनसे पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा, उसके ऊपर मेरे सारे लेक्चर्स जो है ना आगे में है. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर. इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पोल्यूशन. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं, ठीक है जी. बिफोर स्टार्टिंग द पोल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर. नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन O2 दैट इज 20-21%, देन कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.03%, ठीक है जी. उसके बाद Noble gases, they are 1%. आप mute हो गए. आपको पता नहीं लग रहा मेरे ख्याल में. Excuse me sir, आप mute हो गए हैं. सर अनम्यूट कर लें. जी जी कर दिए बेटे, आवाज आ, बोलो. यस सर आ रही है. पहले आवाज नहीं आ रही थी सर, म्यूट हो गया था. अच्छा ओके मेरे बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोल्यूशन टुडे. पोल्यूशन होती क्या है? वालेकुम अस्सलाम. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों. दुनिया की हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस, ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एयर, जो हमारी नेचुरल एयर में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज हो चाहे, ठीक है. सपोज कर रहे हैं आपके पास NO है, CO है, NO2 है, SO2 है, CL3F है, कोई भी चीज ऐसी, दुनिया की हर वो चीज जो कि हमारी नेचुरल एयर का हिस्सा नहीं है, इफ इट एंटर्स द एयर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज और थ्रू नेचुरल एक्टिविटीज, तो मेरे बच्चों वो चीज पोल्यूशन कॉज करती है. और ऐसे हर सब्सटेंस को हम लोग पोल्यूटेंट का जो है वो नेम देते हैं जी, ठीक है जी. तो पोल्यूशन की डेफिनेशन यही होती है कि एनी सब्सटेंस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एयर, इफ इट एंटर्स द एयर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज और थ्रू नेचुरल एक्टिविटीज, इट कॉजेस पोल्यूशन. तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए कि एनी सब्सटेंस दैट इज नॉट the part of our natural air if it
enters the air through human activities or natural activities causes pollution. ठीक है जी. एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. उनको पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं जी. हर वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करता है मेरे बच्चों, उसको हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं. ठीक है जी. सो एनी सब्सटेंस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एयर इफ इट एंटर्स द एयर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है जी, और थ्रू नेचुरल एक्टिविटीज इट कॉजेस पोल्यूशन. ठीक है जी. और ऐसे हर सब्सटेंस को हम लोग पोल्यूटेंट का नाम देते हैं. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ द पोल्यूटेंट. ठीक है जी. हमारे सिलेबस में जो पोल्यूटेंट शामिल हैं, ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं उनके नेम नोट कर लीजिए और उनकी हमें तफसील पढ़नी है जी. द फर्स्ट वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. द सेकेंड वन इज कार्बन मोनो ऑक्साइड. दिस इज CO. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे आर NO एंड NO2. द थर्ड वन दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 एंड SO3. ये इसके दो हैं. द फोर्थ वन दैट इज ओजोन O3. ठीक है जी. द फिफ्थ वन दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इनको कुछ लोग CFCs भी कहते हैं जी. ठीक है जी. द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स. एंड द सेवंथ वन दैट इज लेड. ठीक है जी. सो दीज आर द सेवन प्लूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस. ठीक है जी. और इनकी डिटेल जो है वो एक एक करके हम लोगों ने जो है वो करनी है. सो वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेरे बच्चों टू होते हैं. द फर्स्ट वन इज NO. द सेकेंड वन इज NO2. NO को कहते हैं नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड. And the second one that is called as the nitrogen dioxide. So these are the two oxides of nitrogen, NO and NO2. सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं कि इनकी formation कैसे होती है. Formation of NO and NO2. कि ये हवा के अंदर तो भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं. ये तो प्रेजेंट है ही नहीं NO और NO2. सो हाउ दे आर बीइंग फॉर्मड इन आवर नेचुरल एयर. ये बनते कैसे हैं जी, क्या तरीका होता है. तो दो मेथड्स होते हैं जी. द फर्स्ट मेथड दैट इज नेचुरली. के नेचुरली कुदरत की तरफ से, ठीक है, नेचुरली जो है ये एयर में इनकी फॉर्मेशन हो जाती है. कब होती है, ठीक है जी बेटे, लाइटनिंग से होती है मेरे बच्चों. ठीक है, जब बहुत ज्यादा जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो बिजली चमकती है जी, लाइटनिंग होती है. ठीक है, दिस इज द लाइटनिंग. लाइटनिंग जो होती है मेरे बच्चों, इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इनके बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जी. ठीक है,
अब नाइट्रोजन जो है ये नॉर्मली किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि आपने कभी भी किसी चीज का दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करवाना होता है तो आपने क्या करना होता है कि इसके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं इनको ब्रेक करना होता है, इनको तोड़ना होता है जी, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो तब ये किसी दूसरी चीज के साथ ज्वाइन हो सकती है जी। तो उसके लिए मेरे बच्चों लाइटनिंग जो है उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और जब वो ब्रेक हो जाता है तो फिर वो ओ के साथ मिलकर एनओ बना देता है और बाद में एनओ टू भी बना देता है। You got it? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए नीचे भी कैसे बनता है, लाइटनिंग ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कंबाइंस with oxygen to form NO and NO2। इसकी इक्वेशन क्या बनती है मेरे बच्चों, N2 plus O2 ये आपस में मिलेंगे तो N और O मिलके बना देंगे पहले NO, और बाद में ये जो NO है ये मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके और NO2 बना देगा जी, like that ये NO2 बन जाएगा। तो ये आपके दो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं, ये एयर के अंदर खुद ब खुद ही बन जाते हैं, नेचुरली बन जाते हैं, कैसे, लाइटनिंग की वजह से। लाइटनिंग ब्रेक्स द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO एंड NO2। ये वाला आप कर दो बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर कर दें, दुमान आपका स्कूल कौन सा है, प्राइवेट हो? ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन due to human activities। human activities की वजह से मेरे बच्चों ये NO और NO2 की formation कैसी होती है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखो कि during the combustion of fossil fuel, जब भी fossil fuel यानी petrol हो गया, diesel हो गया, लकड़ी, कोई भी चीज, कोई भी फ्यूल आप समझ लें कि बर्न कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जो उससे धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलते हैं, उनके अंदर जो है ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जी, ठीक है। तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स ये कैसे बनते हैं मैं बताता हूं अभी, ऑफ कार इंजन्स एंड फैक्ट्रीज contain NO and NO2, यानी oxides of nitrogen, ठीक है जी। अब ये बनते हैं कैसे हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं गाड़ी की, सुन लीजिए बेटे पहले प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। गाड़ी जो है उसमें आप लोग फ्यूल जो बर्न करते हो वो पेट्रोल होता है, ठीक है जी। पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डालती है तो उसको बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी में हवा की एंट्री भी जो है, एयर इनटेक होती है, एयर जो है वो उसके अंदर जाती है, ठीक है। अब गाड़ी जो है वो उसमें फ्यूल को बर्न करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन लेके गाड़ी को आप सप्लाई कर रहे हो, एयर ही अंदर जाती है जी। तो एयर की जो ऑक्सीजन होती है वो फ्यूल को बर्न करवा देती है, स्पार्क प्लग पर स्पार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, शोला प्रोड्यूस करता है, फ्यूल को आग लगती है, एयर होती है, एयर की ऑक्सीजन उसको बर्निंग में हेल्प करती है। अब जब बर्न होता है फ्यूल तो टेम्परेचर में राइजेस अप टिल 300 डिग्री सेल्सियस, गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कर जाता है, इसीलिए तो गाड़ी में फिर वो
अगर जो है वो उसको ठंडा ना किया जाए तो वो गाड़ी गर्म होकर उसका इंजन सीज हो जाता है। तो सर फिर एयर फिल्टर क्यों यूज होता है जी? गाड़ियों में एयर फिल्टर क्यों यूज होता है? यार एयर फिल्टर का काम एयर को फिल्टर करना है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ना अंदर भी चले जाए उनको रोकने के लिए, सिर्फ एयर ही अंदर जाए। ठीक है बेटे। अच्छा जी खैर, तो ऑक्सीजन ने तो उसको हेल्प कर दी बर्निंग में, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। अब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑल्सो सफिशियंट इनफ टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। अंदर आपकी एयर गई हुई है, एयर में 78% नाइट्रोजन है, उनमें से सिर्फ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है बर्निंग में, सारी को भी नहीं, थोड़ी सी ऑक्सीजन ही बची हुई है अभी। तो वो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड 300 डिग्री सेल्सियस की वजह से ब्रेक हो जाता है एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO एंड NO2। ठीक है जी। तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन कार इंजन्स और फैक्ट्रीज द टेम्परेचर मे राइजेस अप टू 300 डिग्री सेल्सियस विच इज सफिशियंट इनफ टू ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड दस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो दो तरीकों से बनते हैं, नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेचुरली मैंने बताया है लाइटनिंग की वजह से, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मेरे बच्चों जो आप फ्यूल बर्न करते हो उससे जो टेम्परेचर राइज होता है वो एयर में मौजूद नाइट्रोजन को ब्रेक करता है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO और NO2 बना देती है। अभी आप समझ लीजिए बेटे जी। मेरे बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अच्छा जी, उसके बाद ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। दूसरी चीज, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? कि क्यों ये एयर में चली जाती है तो भाई हमें क्या मसला है? अल्लाह ताला ने नेचुरली इसको क्यों नहीं बनाया जी एयर में? तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ी सी चीज बता रहा हूं पीरियोडिक टेबल से। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, दोबारा बता रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 8 और 0। ग्रुप 3 के एक एलिमेंट के नीचे लाइन लगा दो, ग्रुप 4 के दो एलिमेंट्स के नीचे लाइन लगा दो, इसके 3 और इसके 4, और इन सब लाइनों को आपस में ज्वाइन कर लो लाइक दैट। पीरियोडिक टेबल में इस तरह दो टेबल भी बने होते हैं। तो ये जो चीज आपकी बन गई है दिस इज अ स्टेयर केस, ये स्टेयर केस है, सीढ़ी है। इस सीढ़ी के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी भी हो, ऑक्साइड हो, तो वो चीज नॉर्मली बेसिक होती है, बेस होती है। और इसके ऊपर ये जितनी भी चीजें होती है मेरे बच्चों, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी होगी, ऑक्साइड लगा होगा, तो वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, वो एसिडिक चीज होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो नाइट्रोजन है वो यहां पर आ रहा है ग्रुप 5 में। तो इफ यू चेक इट, दिस इज द नॉन मेटल।
तो नॉन मेटल के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन लग गई है NO एंड NO2, ठीक है जी। तो ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया है। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं दे आर एसिडिक, वो एसिडिक होते हैं। तो सिंपल सी बात है जी, आपका जो NO एंड NO2 बोथ सर एसिड रेन हो सकती है। जी सर बिल्कुल यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड्स, दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो भाई एसिडिक चीज जो भी एयर में चली जाएगी, एयर में वाटर वेपर्स तो आपको पता ही है मौजूद होते हैं, ठीक है। और एसिड जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एसिड दुनिया का हर वो सब्सटेंस होता है जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके। तो ये दोनों चीजें एसिडिक हैं, एयर में नहीं, एयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, पानी के अंदर जैसे मिक्स हुई इन्होंने एसिड बना दिए, और जैसे ही ये एसिड बनाते हैं बारिश होती है तो वो एसिड जमीन पे आ जाता है, एसिडिक रेन कॉज करते हैं। सो दीस एसिडिक ऑक्साइड कॉजेस एसिडिक रेन, ये एसिडिक रेन जो है वो कॉज करते हैं। यू गॉट इट, एसिडिक रेन जो होती है मेरे बच्चों इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो डैमेजेस ऑफ एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के मेरे बच्चों चार नुकसान होते हैं, चार आपने याद रखने हैं। जब भी एसिडिक रेन का आप कहीं भी जिक्र सुनो तो एसिडिक रेन कॉजेस फोर डैमेजेस। पहला डैमेज क्या करती है, ध्यान से सुनो, एसिड है, जब बारिश होती है तो एसिड है, एसिड जो है आपको पता ही है, याद रखो कि वो दुनिया में एसिड चार चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन सी, मेटल, दूसरा मेटल ऑक्साइड, तीसरा मेटल हाइड्रोक्साइड और चौथा मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल अकेली, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, ठीक है जी। ये जो आपका लाइमस्टोन होता है जिसको मार्बल भी कहते हैं, हम लोग घरों में बाहर जनाब लगवाते हैं अक्सर, ठीक है, फर्श पे लगवाते हैं मार्बल, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब एसिडिक रेन होगी तो जिन बिल्डिंग्स के बाहर की कैल्शियम कार्बोनेट का वर्क हुआ है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। आप लोग अक्सर देखे कि कुछ लोगों के जो मार्बल होते हैं वहां पर पीली सी जनाब लाइन सी पड़ी होती है अक्सर, तो वो असल में उसके साथ रिएक्ट करके मार्बल वहां से खत्म हो गया होता है, कोई नया सॉल्ट बन गया होता है, ठीक है। तो मार्बल वर्क को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, पहली चीज, क्योंकि मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि एसिड मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने जितने भी पुल वगैरह देखते हो, ब्रिजेस, उनमें लोहा वो बीच में आप देखो तो वो जंग थोड़ा सा जो लगता है आपको, वो लोहे के पीसेस लगे होते हैं, लोहे के ऊपर वो पूरा पुल जो है वो खड़ा हुआ है। तो जब एसिडिक रेन होगी तो वो मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके खत्म होती जाएगी, क्रोड होती जाएगी, ठीक है। तो पुल के जनाब नीचे गिरने का खतरा होता है। मेटल वर्क जितना भी आपके घर के बाहर कोई लगा हुआ है, कोई मेटल वर्क किसी ने किया हुआ है, ठीक है, तो वो सारा डिस्ट्रॉय होता जाएगा, क्रोड होता चला जाएगा। तीसरा काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, यानी जो फसलें वगैरह आप लोग लगाते हो वो फसलों के ऊपर जब एसिडिक रेन पड़ती है मेरे बच्चों तो वो फसलों को तबाह कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। उनका क्लोरोफिल जो सब्ज रंग की चीज होती है वो जनाब खत्म हो जाती है, जमीन के अंदर जो मिनरल्स होती है उनको ये खत्म कर देती है, प्लांट्स डेड हो जाती हैं, क्रॉप्स आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आखिरी इनका काम क्या होता है कि अगर एसिडिक रेन जो है किसी ने मछलियां पाली हुई है पॉन्ड के अंदर, तो वो पॉन्ड के अंदर अगर एसिडिक रेन होगी तो पक्की बात है कि मछलियों के जो गिल्स, ये देखिए इस जगह से वो सांस लेती है जी, तो वो उनके जो गिल्स होते हैं वहां से सांस लेती है, वो गिल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते और मछलियां आपकी डेड हो जाती हैं। तो ये चार नुकसान होते हैं जी एसिडिक रेन के, पहला डिस्ट्रॉय द मार्बल वर्क ऑफ बिल्डिंग्स, दूसरा क्या होता है क्रोड द मेटल वर्क ऑफ ब्रिजेस, और तीसरा डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, वेजिटेशन कहते हैं मेरे बच्चों क्रॉप्स को, फसलों को,
एंड द फोर्थ वन दैट इज किल्स फिश. फिश को ड्रॉन जो है ना ये किल कर देती है. सो दीज आर द फोर डैमेजेस कॉज्ड बाय द एसिडिक रेन. अब इसका तरीका भी सुन लो कि अगर आप चाहते हो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे शुड नॉट एंटर इन द एयर, ठीक है, तो उसके लिए टू स्टॉप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू गेट इन टू एयर, यानी अगर आप चाहते हो कि ये एयर में ना जाए ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो एसिडिक रेन कॉज कर रहे हैं जी, ठीक है, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हमें इनको स्टॉप करने हैं. तो इनको स्टॉप करने के लिए मेरे बच्चों सबका ध्यान जरा इधर, थोड़ी सी मुश्किल चीज है, सुन लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आगे भी बार बार यूज होनी है, मैंने दोबारा नहीं फिर इसको बताया. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एयर में जाने से रोकने के लिए मेरे बच्चों आजकल जो नई गाड़ियां आ रही है उनके अंदर एक पार्ट लगा होता है, गाड़ियों के पीछे बैक पे भी लिखा होता है, उस पार्ट का नाम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर. कन्वर्टर ये शायद आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर. व्हाट इज दिस कैटालिटिक कन्वर्टर? ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है मेरे बच्चों? ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो नई गाड़ियां आ रही है उन सब में लगा हुआ है. ये दो मेटल्स का बना हुआ है जी, ठीक है, और वो दो मेटल्स कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्लैटिनम and the second one that is rhodium. ये platinum और rhodium दो metals का बना हुआ है, और ये दोनों metals जो हैं वो जिस तरीके से मकड़ी का जाला नहीं होता, cobweb होता है, उस तरीके से जनाब जो है ना ये इस catalytic converter के अंदर जो है वो पूरी बनी होती है जी, like that. पूरा मकड़ी का एक जाला सा बना होता है इन दोनों metals से मिलके, platinum और rhodium, ठीक है जी. अच्छा जी, अब होता क्या है, यहां से सपोज करें आपके एग्जॉस्ट फ्यूम्स आ रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी में जो बर्निंग हुई है उससे जो फ्यूम्स बने हैं उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बन गए हैं और भी चीजें बन गई हैं, तो वो एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो है वो कार इंजन, ठीक है जी, कार के इंजन से एग्जॉस्ट फ्यूम्स जहां पे आते हैं. अब याद रखिए दुनिया की हर वो गैस जो हमारी नेचुरल एयर का हिस्सा नहीं है उसको ये कैटालिटिक कन्वर्टर एक मैग्नेट की तरह अपने साथ चिपका लेता है, लाइक NO इसके साथ चिपक गया, CO इसके साथ चिपक गया, उसके बाद NO2 इसके साथ चिपक गया, CH4 ये भी इसके साथ चिपक गया. तो इन सारी चीजों को अपने साथ चिपका लेगा और जो चीजें हमारी नेचुरल एयर का हिस्सा होती है उनको ये विदाउट एनी चेक बाहर निकलने देगा. तो यहां से ना ये आपका सपोज करें, ठीक है, यहां से ये धुआं बाहर निकल रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, वाटर वेपर्स, ये सारी चीजें ये हमारी नेचुरल एयर में मौजूद है, इनको ये कुछ नहीं कहता, ये इजीली यहां से बाहर निकलती जाती है. लेकिन वो चीजें विच आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एयर उनको ये कैटालिटिक कन्वर्टर अपने साथ चिपका लेता है, अपने साथ जोड़ देता है, ठीक है. और फिर करता क्या है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर? कैटालिटिक कन्वर्टर मेरे बच्चों क्या करता है कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो कि पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं, उन हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में चेंज करता है बाय रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, उसको लिख लें. कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इट चेंजेस the harmful gases into harmless gases by redox reactions, ठीक है जी. अच्छा जी, अब ये redox reaction क्या करवाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं. redox reaction जो है ना ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक red, red का मतलब होता है मेरे बच्चों reduction, और एक ox, ox का मतलब होता है oxidation. oxidation जो लफ्ज है ये oxygen से मिलता जुलता है, तो इसमें gain of oxygen होता है,
और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है. इसको फिलहाल इस इन मायनों में याद रखो. रिडॉक्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं पूरी तफसील से आपको फिर बताऊंगा. रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो आपकी चीजें हैं मसलन NO है और CO है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है, NO अपना ऑक्सीजन CO को दे देता है. ये क्या बन जाएगा, CO2, और ये N जो है ये N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है. इसको बैलेंस कर लीजिएगा. बैलेंस का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, इसको दो कर दें, ठीक है, यहाँ पे भी दो कर दें, तो ये टू टू सा फोर ऑक्सीजन हो गए, टू ये और टू ये फोर ऑक्सीजन हो गए. नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, कार्बन भी दो, कार्बन भी दो. बैलेंस नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूं. तो इसने ऑक्सीजन को लूज किया, इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया. दूसरा देखिए NO2 है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा, अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो CO2 और N2 बन गया. और अगला CH4 है, CH4 क्या करेगा, यहां से गुजरने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देते हैं. आप चेक करें ये जो सारी चीजें बन गई हैं मेरे बच्चों, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल लेयर. नेचुरल एयर, जबकि ये वाली आपकी जितनी भी थी, दीज आर द हार्मफुल गैसेस. ये हमारी नेचुरल लेयर का हिस्सा नहीं है. तो मेरे बच्चों, कैटालिटिक कन्वर्टर में ये तीन रिएक्शंस होते हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पे, कि NO और CO मिलके NO2, सॉरी N2 और CO2 बना देते हैं, NO2 और CO भी आपस में मिलके CO2 और N2 बना देते हैं, CH4 एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और H2O बना देता है. तो ये हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में चेंज कर देता है, जो हमारी नेचुरल एयर का पार्ट होती है. और ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों, आपका जो है जो प्लूटेंट होता है वो एयर में जाने से जो है वो स्टॉप हो जाता है. इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो दो तीन प्लूटेंट जो है वो पढ़ लेंगे.